पाक अमरीका ताल्लुकात भरोसे पर मबनी होंगे। अमरीका से बराबरी की सतह पर दोस्ती का ख्वाहिशमंद हूँ। वजीर आजम इमरान खान का कैपिटल हिल में खिताब, कहा अमरीका की जंग पाकिस्तान में लड़ रहे हैं, हजारों पाकिस्तानियों ने इस जंग में कुर्बानियां दी, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अफगान अमन अमल के लिए तालिबान को मुजाकरात की मेज पर लाएंगे। अमरीका से बाहिमी इज्जत, एतमाद और मुश्तरका इकदार की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। आर्मी चीफ का अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो से मुलाकात में इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान अमरीका के साथ दो तरफा ताल्लुकात की बेहतरी को बहुत अहमियत देता है। जनरल कमर जावेद बाजवा का पेंटागन का अहम तरीन दौरा, 21 तोपों की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, वजीर आला जाम कमाल की वफद के हमरा मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, तहरीक अदम एतमाद वापस लेने की दरख्वास्त, डेप्टी चेयरमैन के खिलाफ तहरीक वापस लेने की भी पेशकश। फजल रहमान बोले, अपोजिशन अब लंबा सफर तय कर चुकी है, कैसे मुमकिन होगा कि हुकूमती वफद की ख्वाहिश पूरी करें। मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही खत्म कर दी। इलेक्शन हो जाएगा, हम देख रहे हैं इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल होगी। छोड़ ये आपको भी मुश्किल में ला रहे हैं, मुझे भी मुश्किल में ला रहे हैं। शरीफ खानदान के गिर्द घेरा तंग, चौधरी शुगर मिल्स केस की तहकीकात, नैब ने मरियम नवाज, हसन और हुसैन नवाज को 21 जुलाई को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ के भतीजे अब्दुल अजीज को भी बुलाया गया। तलब किए गए अफराद चौधरी शुगर मिल्स के शेयर होल्डर्स हैं। जिन्होंने करप्शन पकड़ी इस केस में आजाना में, वो आज मुलजम और मुर्द इल्ज़ाम ठहराए जा रहे हैं। इससे बड़ा और जुल्म और ज्यादती की बात क्या हो सकती है। करप्शन पकड़ने वाले ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराए जा रहे हैं। एहतसाब अदालत में पेशी पर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद, अदालत ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में साबिक वजीर आला पंजाब को 7 अगस्त को दोबारा तलब कर लिया। आमदन से जायद असासों के केस में हमजा शहबाज के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसीक कर दी गई। चित्राल में एक बार फिर ग्लेशियर फटने का खतरा, पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल में दर्ज हरारत में इजाफे और बारिश का इम्कान, पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी के खदशात, सयाह चित्राल के दूर दराज इलाकों में जाने से गुरेज करें, पीडीएमए ने हिदायत जारी कर दी। आने वाले हफ्ते यानी कि मंडे ट्यूसडे तक एक बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम हमें बे ऑफ बंगाल से आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से कराची, सिंध और तकरीबन सिंध के कोस्टल बेल्ट में बहुत अच्छी बारिश इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है। और मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में तेज़ बारिश का इम्कान, कराची वाले करें बस थोड़ा इंतज़ार, बारिश का सिस्टम अगले हफ्ते शहर में दाखिल होगा। सिंध भर में बादल जमकर बरसेंगे, बलोचिस्तान में भी बारिश का इम्कान।